फेसबुक की आईडी कैसे बनाएं वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहें और आगे तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो के आगे तरफ और देखते हैं कैसे बनाई जाएगी फेसबुक की आईडी, वो भी नए तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली आ जाना है फेसबुक के ऐप पर। फेसबुक के ऐप पे आप आते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए माइक आपका आ जाएगा, इस माइक को आप क्लोज़ कर दीजिए ऐसा ऊपर क्लिक करके। उसका नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको आपका नाम लिख देना है। तो नाम में एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो है अनीस इजहार टैग यही लिख देता हूँ। तो मैं अनीस इजहार टैग थोड़ा डिफरेंट में लिख देता है, जैसे कि एक नाम लगना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लें, यानी जन्म तारीख जो होती है आपकी उससे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जब भी पैदा हुए हैं उस दिन, उसका महीना, उसका साल, उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, यानी आप पुरुष हैं, महिला हैं या कुछ अलग हैं, तो उस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेल कर देता हूँ और उस पर आगे क्लिक कर देता हूँ। या आपका नंबर पूछा जाएगा, तो मेरा नंबर जो है यहाँ डाला गया है। या इसके अलावा ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन है, तो ईमेल एड्रेस के नीचे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे आप। नीचे देखिए यहाँ आपका और भी ऑप्शन है, जैसे ये ऑप्शन दिखा रहे हैं, मेरे बहुत सारे ईमेल ऑलरेडी हैं। उसके अलावा नीचे देखिए, अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है या आपका पहले से इस्तेमाल हो चुका है ये ईमेल आईडी, तो आप नीचे जाके यूज़ डिफरेंट ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से कट कर दीजिएगा और जो आपका ईमेल एड्रेस है उसे डाल दीजिए। तो मैं मेरा जो ईमेल आईडी है उसे डाल देता हूँ, जिस पर मुझे ओटीपी चाहिए। याद रखिएगा, जिस पर आपको ओटीपी का कोड आएगा वही डाल देना है। तो यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ दोस्तों, और उसके बाद मैं पूरा पासवर्ड जैसे इसमें ईमेल डाल देता हूँ अपना जीमेल, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब पासवर्ड मेरा सेट कर देता हूँ दोस्तों। तो पासवर्ड मेरा जो है मैं सिंपल तरीके से सेट कर देता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ऐसा पासवर्ड बनाए जो कि आपका इजी पासवर्ड हो। उसके बाद यहाँ साइनअप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये ब्लू कलर का जो आपको बक्सा दिख रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा सब्र करना है। तो ये लिखा है कि पहले से यूज़ हो चुका है। तो हम दूसरा ईमेल जो हमारा उसे चेक करते हैं। दूसरा ईमेल हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों इसके अलावा मेरा दूसरा ईमेल है उसे मैं डाल देता हूँ। आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास अगर ईमेल नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब ये कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सिंपली जो है इसे क्रिएट करने के बाद आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आईडी, ये भी ऑलरेडी यूज़ में दिखा रही है, यानी ये आईडी जो है हमारे पास यूज़ में है, यानी जितनी मेरी आईडी है वो यूज़ चल रही है। तो एक बार हम वापस से जो हमारी आईडी है उसे चेक कर लेते हैं और देखते हैं वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज़ ये जो है हमारी आईडीज़ हैं वो यूज़ हो चुकी हैं ऑलरेडी से। तो ऐसे आपका अगर आईडी यूज़ हो गया है दोस्तों, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। तो देखिए ये मेरा जो नाम है उसमें सरनेम कुछ अलग बता रहा है, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, शर्मा, वर्मा, खान, चौधरी, जो भी है, तो मैं मनियार लिख देता हूँ। तो देखिए क्रिएटिंग पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ये क्रिएट होता है और हमें ओटीपी, देखिए हमारा क्रिएट हो गया। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको बता दिया, इस वजह से कि मैंने 3-4 गलत ईमेल आईडी इसलिए डाली है कि आपको अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका पासवर्ड जो है, यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड सेव करने का, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका पासवर्ड सेव रहेगा। तो देखिए मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ मुझे शो भी हो रहा है। इनकेस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कंफर्म विद कोड, ये दिख रहा है आपको कोड आएगा, आपको तब कोड आएगा दोस्तों। तो कोड पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो कोड है आपकी जो जीमेल आईडी है उस पर आ जाएगा। तो मैं अभी मेरे पास जो कोड आएगा वो डाल देता हूँ। तो कोड जो है मुझे आ चुका है 33791, ये कोड मुझे आया। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे कंफर्म कर लेता हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए यहाँ लिख के आ गया कि आपका अकाउंट तैयार हो गया। अब यहाँ मैं प्रोफाइल पिक्चर चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, या तो इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद इधर टर्न ऑन करना है या नहीं उसको भी छोड़ देते हैं, स्किप कर दीजिएगा ये सब। और उसके बाद आपको कुछ आपके ऐसे कुछ 5 दोस्त बनाने हैं। तो ये दिख रहा है कि आपको फ़ोटो जो है लगाना ज़रूरी है। ये देखिए आपकी जो
फेसबुक की आईडी है वो बन चुकी है और ये आपका फेसबुक आप यहाँ से चला सकते हैं, यहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। यहाँ आपका पूरा जो है प्रोफाइल का सेक्शन आ गया है, देखिए मेरी प्रोफाइल जो थी उसका सेक्शन आ गया। ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो है प्रोफाइल लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अभी नहीं मैं बाद में लगा दूंगा, बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक तरीका था कि किस तरह से आईडी बनती है आपकी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें।